आप सबको मैंने बताया ही था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज फिर हम जा रहे हैं चेकअप के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को बुलाया था। तो मैंने सोचा आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू बता दूँ। तो आप ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे घर के दूसरी साइड की कॉलोनी का एरिया है ये। माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत अच्छे बड़े बड़े ट्री भी लगा रखे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत अच्छी कॉलोनी है, पर हमारी कॉलोनी से ज़्यादा अच्छी, मुझे तो कोई कॉलोनी अच्छी नहीं लगती, पर माशाल्लाह ये भी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने कूदने वगैरह के लिए यहाँ पर एक अच्छा बड़ा सा गार्डन भी दे रखा है। यहाँ पर सब आते जाते हैं, हम भी वॉक करने कभी कभी यहाँ आते हैं। यहाँ सामने पानी का टैंकर मिल गया हमें। आज सुबह के नाश्ते में हमारे यहाँ बने हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे और ये रहा केचप। मम्मी को अभी केचप खाना है, उसकी परमिशन नहीं है, तो अभी मम्मी की गोली दवा चल रही है, इसलिए मम्मी केचप नहीं खाएंगी, सिर्फ मैं केचप खाऊंगी पराठे के साथ। चला ये देखिए, आज इतने दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बिजी थी मैं। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की तबीयत भी ठीक है। तो आज से वीडियो स्टार्ट। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे गमले में कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। ये दूसरा वाला गमला है। माशाल्लाह आज काफी ठंड थी, तो धूप इतनी तेज नहीं थी, तो उसकी वजह से कपड़े भी हमारे नहीं सूखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे मम्मी के, मेरे, पापा के, हम सबके कपड़े। ये आप देख सकते हैं हमारे कपड़े सूखे नहीं है, तो अभी भी गले हुए हैं हमारे कपड़े। ठंड में ये रहता है कि अगर कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखा के नहीं डालो तो कपड़े सूख ही नहीं पाते। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। धुंध काफ़ी बढ़ गई है। अब आज 25 दिसंबर हो गई है और आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड में भी इजाफा हुआ है। शाम से हम लोग बाहर गए थे, तो मैंने वहाँ का भी व्यू ले लिया था। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आइट साइड कितनी सारी दुकानें हैं, कार वगैरह खड़ी हैं, शॉप कितनी अच्छी है, फ्रूट्स की और भी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ठंड तो इतनी थी, बाहर निकलो तो एक पॉजिटिविटी मिलती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं, कोई बाइकों पे जा रहा है, कोई वॉक करते हुए जा रहा है, साइड में रिक्शा है, ये हमारे आगे आगे बसें जा रही हैं। ये पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को गोद में लेके जा रहे थे, साइड में सब वॉक करते हुए। मेरे फेवरेट होले भी थे खेले हुए। ये आंटी हैं, सब शॉल ओढ़ के जा रही हैं क्योंकि ठंड है। बाहर सब मार्केट में कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी सब्जियाँ मिल रही थी मार्केट में। दोपहर के खाने में हमने बनाई है अंडे की भुजिया और गर्मा गर्म रोटी और मूली। अब हम हमारा दोपहर का खाना शुरू करते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम काफ़ी टाइम बाद घूमने आए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये गेहूं के खेत हैं, और माशाल्लाह जब मैंने आपको दिखाया था गेहूं कितने छोटे थे, और माशाल्लाह अब गेहूं कितने बड़े हो चुके हैं। सामने से बकरियां भी आ रही थी, तो मैंने बकरियों की भी वीडियो बना ली। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्यूट क्यूट बकरियाँ हैं। जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये जो इनके साथ ये अंकल थे जो अपनी बकरियों को लेके आ रहे थे, तो ये अंकल डर गए थे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने कहा अंकल घबराने की बात नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो में नहीं आना चाहते तो मैं आपका फेस इसमें रिवील नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बकरियों की वीडियो बनाऊँगी। माशाल्लाह आप देख सकते कितनी क्यूट क्यूट बकरियाँ थी, कलर की बकरी थी। ये ब्लैक और वाइट वाला बकरा मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे बकरियों के बच्चे भी थे इसमें, सब अपने घर जाने के लिए कितनी खुश हो रही थी। शाम का टाइम था, ये सब जंगल से घुमा के लाए थे उनको। मेरे कुकू को भी आज बहुत ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं मेरे कुकू को इतना फूल की वीडियो। कुकू को क्या हुआ मेरे प्यारे कुकू को? ओली मेरे कुकू को कितनी ठंड लग रही है, अभी मैं आपको ढकती हूँ।
कुत्ते को हम ठंड लगती है तो इसके केज पे हम एक अच्छी मोटी दरी ढाक देते जिससे इसको ठंड नहीं लगती। पर अभी कुछ ढाका नहीं ना तो इसलिए कुत्ते को मेरे ठंड लग रही है। अब हमारे कुत्ते को खा पी के हमारा कुत्ते बैठा है, अब मैं इसको ढाक देती हूँ, ये आराम से सोए गई। हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो सारी चीज़ें हरी भरी दिख रही है। आप देख सकते हैं ये हम जा रहे हैं सीधी सड़क पे, ये इस साइड है खेत, साथ में मेरी मम्मी भी हैं, हम दोनों वॉक पे आए हैं आज। और ये रहा हमारा गुरु, हमारे साथ साथ आया है घूमने। तैयार हो चुकी है और मम्मी कड़ी के तड़के की तैयारी कर रही है। कड़ी के तड़के में मम्मी ने डाली है तेल, प्याज, राई, कड़ी पत्ता और खड़ी लाल मिर्ची, और इन्हें कुछ भजी खाने के लिए भी बचाए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी कड़ी की रंगत कुछ इस तरीके की है। जब कड़ी पे तड़का लगेगा जब इसकी रंगत देखिएगा कि माशाल्लाह इसकी रंगत कितनी अच्छी आती। मम्मी ने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची भी डाल दी है कि अच्छा कलर दे ये। बस ये इसकी सब तैयारी हो चुकी है, बस अब इसको भगोने में डालेंगे तड़के के लिए। मम्मी लगा रही हैं तड़का, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप लोग भी घर पे कढ़ी ज़रूर बनाया कीजिए क्योंकि कढ़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये तड़का लग चुका है और तड़के लगने के बाद माशाल्लाह मेरे मुंह में तो पानी आ गया, कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी। खाने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, जब रंगत इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। मेरी मम्मी माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज ये साल का आखिरी दिन है, आज है 31 दिसंबर। अब कल से न्यू साल स्टार्ट हो जाएगा और कल से स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2023। कल मिलते हैं। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।